जन्मोत्सव के लिए आज हम अपने विद्यालय की पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए हैं। यूं तो सालों से हम विद्यालय में छोटे बड़े त्योहार व दिवस को आयोजित करते आ रहे हैं, फिर भी हर वर्ष उसका आयोजन करते समय हमारा उत्साह व ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है। और इसी उत्साह व ऊर्जा के साथ मैं प्रधानाचार्य जी से जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, माखन चोर, यशोदा के खाना, ब्रज के बिहारी, कर्म योगी, विष्णु अवतारी, असुर भाती, हम सब के पालनहार के जन्म उत्सव व बाल क्रीड़ाओं को दिखाने के छोटे से प्रयास के लिए अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद मैम। वैसे तो आप सब कृष्ण जन्म की कथा से भली भांति परिचित होंगे कि कैसे कंस के कारागार में माँ देवकी ने प्रभु को जन्म दिया और अनेकों कष्ट सहते हुए वासुदेव जी कृष्ण को कंस से बचाकर गोकुल छोड़कर आए। चाहे उनकी बचपन की क्रीड़ाएं हो या यौवन की लीलाएं या युद्ध क्षेत्र में गीता उपदेश, कुछ क्रीड़ाएं व लीला रूपी पुष्प उनकी जीवन रूपी बगिया से आपके लिए लेकर आए हैं। उसी उपवन की पहले पुष्प रूपी प्रस्तुति हंसलाल सदन की ओर से आप सबके सामने प्रस्तुत है। लेकिन सुनिए, ये केवल मनोरंजन हेतु बनाई गई अभिनय गतिविधि नहीं है, बल्कि उनकी प्रत्येक लीला के पीछे प्रत्येक मानव के लिए एक सीख है। उन्होंने कोई भी लीला केवल बालपन में नहीं करी, उनकी हर एक लीला के पीछे एक सटीक लक्ष्य था। तो चलिए फिर देखते हैं अब मानव किस नृत्य से हम सबको अचंभित करते हैं। क्योंकि फिर हम खेलेंगे कौन बनेगा डीए का। जी, मेरी कहने का
खंड के घर चोरी की। पहले क्षमा मांगो फिर माखन मिलेगा, और वचन दो कि फिर कभी चोरी नहीं करोगे। नहीं, मुझे माखन चाहिए मैया, मुझे माखन चाहिए, मटकी फोड़ दो। अरे तोड़ के तो दिखाओ जरा मैया, मटकी फोड़ दो, फोड़ दो मटकी मैया। मैंने मटकी फोड़ दी। तेरा इतना साहस हो गया, माखन नहीं मिला तो मटकी तोड़ दी। ठहर जा नटखट, ठहर जा, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। हंसता है, आज सारा दिन तुझे इस पोखले से बांधकर धूप में रखूंगी। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया है। हे जगदीश्वर, हे सच्चिदानंद, हे दीनदयाल, हम दोनों देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। नंद कुबेर और मणिक्रोध हमारा नाम है। हम नारद मुनि के श्राप के कारण वृक्ष योनि में चले गए थे। आज आपके दर्शन मात्र से हमारी तपस्या सफल हुई और हमें मुक्ति मिली। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अनुशासन का पालन करोगे। हे गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि हम आपके दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे और आपकी दी गई शिक्षा के मार्ग पर चलकर जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। आज श्री कृष्ण और उनके गुरु ऋषि संदीपन के विषय में आपने देखा अपने गुरु के प्रति इतना आदर सम्मान एक ईश्वर की आंखों में, लेकिन आज के छात्रों की आंखों में इतना सोनापन क्यों है? वह सदियों पुराने गुरु शिष्य के संबंधों को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि कहा भी गया है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंदर की मसी करूं, गुरु को लिखाना जाए। अर्थात सारी धरती को कागज बना लो, जंगल की लकड़ी से कलम बना लो, सात समंदर सिहाई बना लो, लेकिन गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। हम भी शिक्षक दिवस पर यह प्रण लेते हैं कि अपने गुरु के प्रति हमारा आदर सम्मान और बढ़ेगा। हम सब उनके सिखाए गए मार्ग पर ही चलेंगे। आप सभी को हंसराज सदन की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी साथियों, देखा आपने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को गुरु ऋण चुकाने के लिए वचन दिया। जो जगत गुरु कहलाए जाते हैं वो भी अपने गुरु के सम्मान
आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। वासुदेव सुतम देवम करचालोन मदनम देव की कर्मा नंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपको अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। ये जो प्रस्तुति है ये सिर्फ
एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, कुछ सीख लेने के लिए होती है। तो आज सीख आप ये लीजिए कि आपने प्रभु का और अपने गुरु का धन्यवाद करना। ठीक है बच्चों, याद रहेगा? हर क्लास के बाद, हर पीरियड में, हर टीचर जब निकलेगा तो आप खड़े होकर उनको क्या कहेंगे? थैंक यू मैम और थैंक यू सर। राइट, यू कैन डू दैट। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल।